हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे 3 जून 2024 तीन सोमवार का कुंभ राशि फल। क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको? प्रेम जीवन में क्या होने वाला है? आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन धान और समृद्धि, परिवार एवं व्यवसाय तथा नौकरी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। लास्ट में बताऊंगी एक अचूक उपाय, जिसे करके आप अपने पूरे दिन को शुभ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो आज है 3 जून 2024, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर आश्रिनी नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में, इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो इसी मुहूर्त में आप करें। सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:46 तक रहेगा। अशुभ समय की बात करें, राहु काल का समय 7:10 से 8:53 तक रहेगा। इस अशुभ काल में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे आज के दिन। दोस्तों, हिंदू धर्म में पंचांग और ग्रह नक्षत्रों को मानने वाले लोग राशि फल के बारे में भी बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। उनको जानना होता है कि आज का राशि फल कैसा होगा। दैनिक राशि फल देखने से हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारा दिन कैसा रहने वाला है। शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है तो हम सावधान हो जाते हैं। इसलिए राशि फल डेली जरूर देखना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका दिन। कुंभ राशि पूर्व से चले आ रहे प्रेम प्रसंग में सुखद एवं आनंददायक समय व्यतीत करेंगे। शुभ समाचार मिलेगा। प्रेमी वर्ग में खुशियों का संसार होगा। सावधान रहें, अधिक भावुकता में आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए अपने प्रेमी से सावधानी पूर्वक बातें करें। आज कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के साथ विदेश में कार्य करने का संकेत मिल सकता है। सौंदर्य प्रसाधन, होटल व्यवसाय आदि में लगे लोगों को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। व्यापार में कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में भाषण देते समय अपने शब्दों के चयन पर अधिक ध्यान दें। आपको लोगों के क्रोध एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। चिकित्सक वर्ग को कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग की अध्ययन में अभिरुचि रहेगी। मजदूर वर्ग को कड़ी मेहनत के बाद भी अपेक्षित फल सफलता न मिलने से मन खिन्न हो सकता है। आज ब्याज के बारे में लगे लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। व्यापार रणनीति लाभकारी सिद्ध होगी। शारीरिक परिश्रम करने वालों को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। परिवार में कोई मंगलिक कार्य अथवा किसी परिजन की बीमारी के लिए जमा पूंजी निकालकर खर्च करनी पड़ सकती है। फिजूल खर्ची से बचें। आपको यहाँ पर भी बचाव करना है, फिजूल खर्चा से आपको बचना है, नहीं तो आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। किसी साथी से प्रेम प्रस्ताव मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पूर्व से चले आ रहे प्रेम प्रसंग में सुखद एवं
आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। शुभ समाचार आपको मिलेगी। प्रेमी वर्ग में खुशियों का संसार होगा। अधिक भावुकता में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। प्रेम एवं सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी गुप्त रोग से संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आप किसी गंभीर संक्रमण रोग की चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गुर्दे रोग, मधुमेह। लोगों से ग्रसित लोगों को अत्यधिक शराब सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अधिक स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन आप शराब और मांसाहार का सेवन ना करें, बिल्कुल भी इससे आप दूर रहें। क्या उपाय करना चाहिए आपको अपने दिन को खुशनुमा बनाने के लिए? आज अपनी माता से थोड़ी सी चांदी, अगर चांदी नहीं है तो इसके जगह थोड़ा सा चावल लेकर अपने पर्स में रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं भी यही दुआ करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। आज वैसे भी सोमवार का दिन है तो आप लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर पा लीजिएगा। सदा इनकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मैं भी यहीं दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।